हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज मैं आप लोगों के साथ एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूँ। और ये जो मैं आज आप लोगों को चीज़ बताने वाली हूँ, ये मैंने भी थोड़े दिन पहले किया था जब मुझे लग रहा था कि मेरी फैट पेट के पास, मेरी जांघों के पास, मेरी कमर के पास थोड़ा सा फैट आ गया है। और यकीन मानिए विद इन अ 10 डेज मुझे वो जो फैट है वो मेल्ट होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो फैट, जो पेट का फैट है या कमर का फैट है, जांघों का फैट है, ये स्पेशली किस लिए आता है कि जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है और वो फैट के रूप में उन्हीं सब जगह पे जम जाता है। या फिर कुछ लोगों को आपने देखा होगा आर्म काफ़ी दुबली होंगी और फेस काफ़ी दुबला होगा और मेनली फैट जो है वो हिप्स, कमर और आपके पेट के पास होगा। तो ये ड्रिंक स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो लोग मसाला खाते हैं या फिर मतलब मसाले वाले या कुछ भी जो भी चीज़ खाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें पेट की बहुत प्रॉब्लम होती है और पेट की प्रॉब्लम की वजह होने से उनका वेट बहुत तेज़ी से पुट ऑन होता है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। और क्या होता है कि जो भी वो लोग मसाला खाते हैं उसे जस्ट थूक देते हैं अपनी सलाइवा, और ये सलाइवा ही हमारे वेट को खाने को पचाने का काम करता है, लेकिन वो उसे थूक देते हैं उस सलाइवा के और उस मसाले के थ्रू उसे पूरा निकाल देते हैं, जिसके थ्रू उनका जो है खाना नहीं पच पाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से पेट के आसपास और ये पूरी लोअर बॉडी पार्ट में उनका फैट जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये ड्रिंक स्पेशली जो लोग मसाला खाते हैं या इस तरह के, तो वो लोग भी ले सकते हैं। उनसे क्या होगा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, खाना बहुत तेज़ी से जो है वो पचेगा, क्योंकि ये जो है, ये जो ड्रिंक है उस सलाइवा का ही काम करेगा आपकी फुल बॉडी में, यानी कि जो सलाइवा आप थूक देते हो वो उसे आपके पेट में इस ड्रिंक के थ्रू वो सलाइवा ही पूरा काम से पेट में जाके करेगी और आपका जो है वजन बहुत तेज़ी से घटना स्टार्ट होगा। तो मैं इतनी बात कर चुकी हूँ, तो अब इसको और ज़्यादा मैं वीडियो को नहीं बढ़ाती हूँ और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 4 कप पानी लेना है, यानी टोटल 1 लीटर आपको इसे बना के रखना है। तो मान के चलिए ये मेरा जो कप है वो 250 ml का है, यानी टोटल मिला के 4 कप अगर मैं मान के चलूँ तो ये मेरा 1 लीटर का हो जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन आप रात में करके रख सकते हैं, मॉर्निंग में सुबह उठ के जस्ट एक तरफ इसे कर दीजिए और दूसरी तरफ दूसरा काम करते रहिए। तो इस तरह से आपको इसमें 4 कप पानी जो है वो लेना है। तो आपको 5 कप इसे पानी लेना है, यानी कि आपका टोटल मैनेजमेंट ये 1 लीटर का होगा। और अभी मैं आगे बताऊंगी कि आपको इसे किस तरह से लेना है। 1 लीटर पानी लेने के बाद आपको इसे गैस पे चढ़ाना है। और इसके बाद आपको इसमें सौंफ लेना है, और सौंफ का मेजरमेंट होगा कि 1 लीटर पानी में आपको 3 टेबल स्पून जो है वो सौंफ डालनी है। ऐसे भर भर के आपको डालना है, बिल्कुल खाली नहीं रखना, और इसे आपको बॉईल होने देना है। तो ये बॉयल हो रहा है, बॉयल होने में मान के चलिए 5 to 10 मिनट लगेगा। जब एक बॉयल अच्छे से आ जाए देन गैस थोड़ा धीरे करके आपको इसे उसके बाद 2-3 मिनट तक बॉयल होने देना है, देन इसे ढक कर रख देना है ताकि सारे एक्सट्रैक्ट इस पानी में आ जाएं। तो फ्रेंड, जब ये इस तरह से बॉयल होने लगे देन आपको अपनी गैस जो है वो धीरे कर देनी है, और धीरी गैस पे आपको उसे 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने देना है। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट आ चुके हैं इसमें, और अभी कुछ एक्सट्रैक्ट जब गैस धीमी करेंगे देन उसके बाद आएंगे, और सारे एक्सट्रैक्ट जब हम गैस को बंद करके देन अपना जो है इसे प्लेट को ढक के रख देंगे, देन उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अभी आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं इसे 2 से 3 मिनट इसे पकने दूंगी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देन इसके बाद मैं गैस को करूंगी ऑफ और इसे ऐसे ही ढक के फिर मैं 5 मिनट इसे रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे लेती हूँ, देन कैसे क्या करना है वो भी मैं अभी मैं आगे आपसे बात करूंगी।
तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं और आपको क्या करना है, एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे ऐसे ही आप भगोने या किसी भी आपके पास कैटल हो जिसमें पानी गर्म रहता हो या फिर आप किसी केतली में इसे डाल दीजिए या फिर जो जिसमें आप चाय बनाते हो कैटल वो वाली डाल दीजिए। तो आपको इसको क्या करना है, सुबह सबसे पहले खाली पेट आपको ये इसे ले, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मॉर्निंग में एक कप लेना ही लेना है खाली पेट। ब्रेकफास्ट कीजिए उसके 20 मिनट बाद आपको इसे लेना है, लंच कीजिए उसके 20 मिनट बाद आपको लेना है और डिनर के 20 मिनट बाद लेना है। इस तरह ये आपका 1 लीटर पानी पूरा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जैसे आप चाय पीते हो सिप सिप करके, सेम आपको बहुत टेस्टी लगेगा, सॉफ्ट है, खाने के बाद सबको इसे खाता है, बहुत टेस्टी लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही बूस्ट करता है, मेटाबॉलिक रेट को बहुत बूस्ट करता है और मैंने आगे बेनिफिट्स बताए हैं कि किस लिए भी। तो इसके साथ आपको इस तरह से ये लेना है और कुछ और बेनिफिट्स मैं बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। आई होप गाइज आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने देखा कि कितना ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही सस्ता मेथड है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट कोई मुझसे आके बोले कि आप तो सिर्फ महंगे महंगे प्रोडक्ट बताती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी लेके आती हूँ। आई होप गाइज आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो प्लीज़ भर भर के लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।